हेलो दोस्तों, मैं सतीश और आप देख रहे हो एवरीथिंग बायस के यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिक्सेल लैब से 3D लोगो कैसे बनाते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा चैनल का लोगो बहुत ही HD में होता है, पर वैसा बनाना कैसे बनता है? तो गाइज, फिक्सेल लैब से बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको एक बार समझना है। अगर आप एक बार तरीका समझ जाते हो ना, तो इस तरीके का लोगो हज़ारों क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे चैनल का, जितने भी सारे चैनल हैं सारे चैनल का आप बना सकते हो। तो गाइज, ये चीज़ कैसे होता है वही चीज़ मैं इस वीडियो में बारीकी बारीकी से बता रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे अपने फिक्सेल लैब को आप ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप फोन टेढ़े करते हो तो इस तरफ ऑप्शन मिलेगा, अगर आप फोन सीधे रखते हो तो इस तरफ आपको सारी ये वाला ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे किसी भी लोगो को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो होता है बैकग्राउंड। तो गाइस, बैकग्राउंड आप कहीं से भी कोई अपना फ़ोटो भी लगा सकते हो, कोई कलर का भी लगा सकते हो। अगर आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो तो ये जो यानी फिक्सेल लैब वाले दे रखे हैं डिफ़ॉल्ट, तो ये भी यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे सिंपल जो हमारा जो कलर है, जो हमारा बैकग्राउंड है, उसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे चेंज करने के लिए सिंपल आपको इधर जाना है, ये सारे 5 टूल है, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये पहले छोड़ के दूसरे वाला जो टूल है उस पर हमें टच करना है। यहाँ पे जैसे ही टच करते हो तो यहाँ पे आप चाहो तो ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हो। जैसे अगर इस पर आप टच करते हो तो ये कुछ बैकग्राउंड हो जाएगा। अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे कलर भी सिलेक्शन कर सकते हो, जैसे कि हमने कलर पे टच किया और यहाँ पे कलर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और कोई सा भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए ये, और भी बहुत सारे कलर है। और कुछ और भी ऐड करना चाहते हो जैसे अपना फ़ोटो, तो यहाँ पे फ्रॉम गैलरी से आप उस फोटो को सिलेक्शन कर सकते हो। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया तो इस पर आपको एक राउंड शेप में कुछ लेना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे उसको लेने के लिए आप यहाँ से भी आप इसको ले सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप टच करते हो तो यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जाओ इस जगह पे, ठीक है, तीसरे नंबर वाले बीच वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। शेप्स के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर इस जगह पर आपको तीर चिन्ह का निशान दिख रहा होगा। यहाँ पर जैसे टच करोगे तो ये सारे शेप्स मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पर राउंड वाली शेप मैं क्लिक करता हूँ, और इसका जो कलर है, कलर सेलेक्शन करने के लिए यहाँ पर सिंपल ऊपर की तरफ जाना है आपको। और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे कलर हैं। कोई सा भी इस राउंड शेप का जो भी चीज़ है, जो आपने शेप ले रखा है अपने लोगों के लिए, उसको आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो गाइज, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो, बस शर्त मैं जो यूज़ करूँगा वो ये वाला कलर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल ये वाला कलर मैं सेलेक्ट किया और ओके का बटन यहाँ पे प्रेस किया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट का भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे पकड़ के खींच के यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है? या फिर मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? डिलीट करने के लिए यहाँ पे आप टच करो और ओके का बटन प्रेस करो, ठीक है? अब यहाँ पे ये वाला जो हमारा शेप्स है, इसका जो साइज़ है, उस साइज़ को हम क्या करेंगे, इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है, अपने यानी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब यहाँ पे इसको, ये तो सिंपल एक तरीके का आप कह लीजिए तो एक तरीके का कलर का बैकग्राउंड है, पर इसको 3D में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप जैसे इस पर टच किए रहोगे ना, तो ये अंडरलाइन में आपको दिख जाएगा, जैसे कि इसको मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप इसका मतलब है ये अंडरलाइन में है। तो आप यहाँ पे नीचे जाओगे ना, तो इसको 3D बनाने के लिए यहाँ पे एम्बॉस का ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। इसको अगर आप इनेबल करते हो तो आप देख सकते हो ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें कुछ और भी चेंजिंग करना चाहते हो, जैसे कि इसका कलर और इसका कलर का ब्राइटनेस, तो आप यहाँ से उसको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है? तो सिंपल मैं यहाँ पर इस वाले पर मैंने एक सेलेक्ट किया, और यहाँ से इसको अगर राउंड शेप में मैं लेना चाहूँ तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसको ले सकते हो। तो सिंपल हमें इसमें अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको हमने 3D में कन्वर्ट कर दिया जो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे सिंपल इसको अगर राउंड शेप ज़्यादा नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको कटआउट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे राइट कॉर्नर पे ओके का बटन दबाना है आपको, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टेक्स्ट लेना है, यानी कुछ अपने चैनल का नाम या फिर अपना नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ पर ए पे क्लिक करना है, और टेक्स्ट पे यहाँ पे प्लस के आइकन पे आपको टच करना है। जैसे टच करोगे तो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप कुछ भी लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे डबल टैप करना होगा, यहाँ पे दो बार इस पर टच करते हो तो ये लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एस और टी डाल रहा हूँ, ठीक है, ST, ओके। और यहाँ पे ओके का बटन मैंने प्रेस किया, तो इसका जो साइज़ है, ओके, साइज़ को हम क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे, ठीक है? बड़ा का मतलब है कि अपना जो ये जो शेप है, यानी जो राउंड के आकार में हमने शेप लिया था उसके अकॉर्डिंग हमें इसको कर देना, ठीक है? इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहोगे वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? अब इसका जो कलर है, ये तो हमने सिर्फ टेक्स्ट राइट किया, इसका कलर हमें चेंज करना है। तो आप जैसे ST पे आप टच करके रखोगे ना, तो ये अंडरलाइन में रहेगा, इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो इधर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अभी आप इसका कलर में जाना है, कलर में जाने के बाद आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि एक
यानी एक लेटर में कुछ और हो और दूसरे लेटर में कुछ और हो, तो आप यहाँ से उतने लेटर को सेलेक्ट करना जितने लेटर में आप कलर करना चाहते हो। जैसे कि मैं सिर्फ एस सेलेक्ट कर रखा हूँ और यहाँ पे ब्लैक का बटन मैंने जैसे प्रेस किया तो आप देख सकते हो हमारा एस ब्लैक हो गया और टी वाइट है। तो यहाँ पे सिंपल मैं दोनों को सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे राइट कॉर्नर पे यस का बटन मैंने दबाया। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे जाओ आप, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, अगर आप फिक्सल लैब को आप यूज़ करते हो तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे आप अपना फेवरेट फॉन्ट सेलेक्ट करना, ठीक है। मैं वैसे जो लोगों के लिए होता है ना वही फॉन्ट मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। वैसे लोगों के लिए और मेरा फेवरेट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओके प्रेस किया और आप देख सकते हो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना हो, इसका साइज़ जो है ना वो बड़ा कर देना है, यानी आपका जो बैकग्राउंड होगा ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे एम्बॉस के ऑप्शन को इनेबल कर देना, ठीक है। और इसको 360 डिग्री में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये HD में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कहने का मतलब 3D में कन्वर्ट हो चुका है। इसको यहाँ से आप साइज़ कलर यहाँ से इस तरीके से आप इसको आगे पीछे करके और चेकआउट कर सकते हो कि हमारा जो है वो 3D में कन्वर्ट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि ये जो HD का जो लेटर है उसमें कुछ ब्राइटनेस ज़्यादा होना चाहिए तो यहाँ से आप उसको ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कम हुआ है या थोड़ा सा स्लिम करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको स्लिम भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने एस और टी को मैंने राइट किया है और यहाँ पे इस तरीके से मैंने सारी चीज़ ओके करके और यहाँ पे यस का बटन मैंने प्रेस किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आउटलाइन डालना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक्स में जाऊँगा और इसको इनेबल कर दूँगा। अब यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर लेना, जो भी कलर आप इसका आउटलाइन में देना चाहते हो। जैसे ये वाला मैंने दिया तो आप देख सकते हो ये कुछ है, ठीक है। अगर आप ब्लैक दोगे तो ये पहले से ही ब्लैक है और अब भी ब्लैक है तो पता नहीं चलेगा। अगर आप ज़्यादा ऐसे करते हो तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इंडिकेट हो जाएगा। तो आप इसका कलर जो है कुछ और भी रख सकते हो, जैसे अगर मैं रेड रखूँ तो कुछ रेड इस तरीके से दिखेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो भी आप कलर लोगे वो भी 3D में ही यानी इंडिकेट होगा। तो आप देख सकते हो ये 3D में ही इंडिकेट हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा लोगो है। फिर भी मैं इसका जो कलर है वो वाइट रखूँगा और वाइट का जो इसका जो साइज़ है आउटलाइन का वो मैं थोड़ा सा कम कर दूँगा। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ही मैंने रखा, 3% है मात्र, 4% मैंने कर दिया, ठीक है। यानी 5% भी मैं कर दूं तो कोई ख़राब तो नहीं दिख रहा है फिर भी। तो ये इस तरीके से HD का हमारा ये हो चुका है, ठीक है। अगर आप इसको लॉक करना चाहते हो, ठीक है, लॉक करने का मतलब है कि अगर आप इसको लॉक करना चाहते हो ये बिल्कुल भी हिले ना यहाँ से, तो इसके लिए आपको इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे HD पे लॉक कर दो, ठीक है। तो लॉक करने का मतलब होता है कि अगर आप इसको टच करते हो तो ये टच नहीं होगा, किसी भी तरीके का मूव नहीं होगा। और इसमें कुछ और भी काम करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर कुछ और राइट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, जैसे और अलग अलग फॉन्ट में, जैसे अपना नाम, अपने चैनल का नाम, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इजिली, ठीक है। तो यहाँ से इसीलिए हम लोग फॉन्ट इसको यानी लॉक करते हैं। तो यहाँ से मैंने अनलॉक कर दिया और सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अगर अब आपको मैं दिखाऊं, फिर से आपको यहीं पे लेयर पे टच करोगे तभी ये हटेगा। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो गाइज है ना कमाल का लोगो। तो गाइज 3D जो लोगो होता है वो इसी तरीके से क्रिएट करते हैं और इसी तरीके से फाइबर पे बना करके लोगो और पैसे भी बहुत लोग छापते हैं। तो गाइज अगर फाइबर के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करना, ठीक है। तो गाइज इसमें आपने सारे चीज़ कर दिया और इसको आप सेव करना चाहते हो, तो सेव करने के लिए इस जगह पर आपको टच करना है। यहाँ पर टच करने के बाद अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है, सेव एज प्रोजेक्ट। अगर आप प्रोजेक्ट के रूप में अगर सेव करना चाहते हो तो गाइज ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। फिर से आप इसको चाहो तो आप इसको एडिटिंग कर सकते हो। अगर सेव एज इमेज पर आप टच करते हो तो यहाँ पे सेव हो जाएगा आपके फ़ोन में, पर इसका जो साइज़ है यहाँ पे इस पर आपको टच करना है। और ये जो डिफ़ॉल्ट है ना इसको हमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट के जगह पे अल्ट्रा करना है, यानी हाई रिजुलेशन में आपका जो ये थंबनेल है यानी लोगो है वो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेव टू गैलरी, ओके। यहाँ पे जैसे टच करोगे ये जो है आपका गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा, 2-5 सेकंड लगेगा सेव हो जाएगा। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर से पूछना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, साथ में अपनी फैमिली मेंबर का ख्याल रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।